हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको पेट्रोल पंप मशीन चलाना सिखाऊंगा, कैसे पेट्रोल पंप मशीन चलाई जाती है। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें आपको पेट्रोल पंप मशीन चलाना सिखाई थी, लेकिन उस समय हवा ज़्यादा चल रही थी इसलिए मेरी आवाज़ साफ़ नहीं आ रही थी। किसी भाई ने कमेंट किया है कि मशीन स्टार्ट नहीं हो रही है और उस पर इनऑपरेटिव C111 लिख कर आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे इस स्क्रीन पे अभी इस पे रीडिंग लिख के आ रही है, लेकिन उसमें आपको इन ऑपरेटिव मोड C111 लिख के ऐसे करके आता है। और इधर स्टार्ट होने में ओनली 3 सेकंड लेती है मशीन, लेकिन यदि 3 सेकंड से ज़्यादा चल रहे हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 10 यानी चलते ही जा रहे हैं, मशीन स्टार्ट नहीं होगी। उसके लिए आपको मशीन को 4 से 5 मिनट के लिए ऑफ़ करना होगा। मशीन ऑफ़ करने के बाद आपकी मशीन स्टार्ट हो जाएगी। ये तो कमेंट का जवाब हो गया है। बाकी आज मैं आपको पेट्रोल पंप मशीन चलाना भी सिखाऊंगा। इसमें आपको क्लियर इंटर अमाउंट लीटर और F1, F2, F3, F4 और P1, P2 किसका क्या काम होता है मैं ये आपको बताऊंगा। F1 का मतलब होता है जैसे किसी ने 10 रुपये का पेट्रोल डलवाया, तो F1 एक बार दबाएंगे। यहाँ देखिए F1 एक बार दबाया, 10 रुपये आ गया। दो बार करेंगे 20, तीन बार करेंगे 30। तो जितनी बार इसको प्रेस करेंगे उतनी ही बार आपके 10 प्लस होता जाएगा। F2 का मतलब है 50 रुपये, इससे आपका 50 रुपये। देखो